खोराबार थाना के गैंगस्टर राजेश निषाद पुत्र मोतीचंद निषाद निवासी करमहिया सिकटौर की अवैध संपत्ति को रविवार को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए आंकी गई है। जब्त किए गए सामानों में एक जेसीबी, एक बुलेट, मोटरसाइकिल तथा ट्रैक्टर पावर ट्रैक इंजन शामिल है। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान संपत्ति जब्तीकरण निर्धारित करते हुए यह कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अपराधी जिन पर गैंगस्टर कायम हो चुका है उनमें संपत्ति जब्तीकरण के संबंध में कार्रवाई की जा रही थी, जिस संदर्भ में एक राजेश निषाद नाम के व्यक्ति हैं जो खोराबार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन पर सन 18 में गैंगस्टर कायम हुआ। इसके पूर्व इन पर कई दो तीन मुकदमे पंजीकृत थे, जिसमें मुख्य रूप से ये नकली शराब बनाने का कारोबार से संबंधित थे। ये जेल गए थे, मुकदमों में जेल गए, बाद में गैंगस्टर लगा जेल गए। उसके बाद इनकी संपत्तियों के बारे में छानबीन की गई, जिसमें ये पता चला कि कुछ संपत्तियाँ इनकी हैं जो उन्होंने इस आय के स्रोत से ही बनाई हैं, जो इन्होंने नकली कारोबार किया उसी से इन्होंने बनाई है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनकी संपत्ति को जब्तीकरण का आदेश दिया गया, जिसमें एक जेसीबी मशीन, एक ट्रैक्टर, एक बुलेट मोटरसाइकिल को इनको जब्त करके आज खोराबार थाने में लाया गया है। और निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है कि अपराध के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाएगी उस संपत्ति के जब्तीकरण के लिए ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। ये लगभग 28 लाख रुपये की कीमत है। तीनों गाड़ियाँ बिल्कुल नई हैं और इनके द्वारा जो अभियोग पंजीकृत हुआ उसके बाद ही क्रय की गई हैं। अभी तीनों गाड़ियाँ बिल्कुल नई कंडीशन में है। लगभग 28 लाख कीमत की गाड़ियाँ हैं।